हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, यदि आप किसी भी मोबाइल कंपनी में जॉब के लिए जा रहे हैं या फिर जॉब के लिए जाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप घर बैठे डिसीजन ले पाओगे कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, मोबाइल कंपनी में जॉब लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी जाती है, इंटरव्यू प्रोसीजर क्या होता है, आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको आना चाहिए, और दोस्तों यहाँ पे आपको सैलरी क्या दी जाएगी, क्या सुविधाएं आपको प्रोवाइड की जाएंगी, क्या आपको रहने खाने बस की सुविधा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको पीपीएस की सुविधा और मिलती है। यदि दोस्तों यहाँ पर आप बीटेक डिप्लोमा कुछ भी कर रखे हो और वो भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट से, तो दोस्तों जो कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से आप नहीं हो, तो क्या आपके लिए कंपनी सही है या नहीं है, क्या आपको आना चाहिए मोबाइल कंपनी में या नहीं आना चाहिए, और आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लाइक यदि आपने डिग्री कर रखा है, डिप्लोमा, आईटीआई, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सी पोस्ट में जॉब दी जाती है, क्या सैलरी प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हर एक चीज को मैं आज डिटेल से डिस्कस करूंगा ताकि आप डिसीजन ले पाओ कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। और दोस्तों मैं एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा आपको कि यदि आप 10th 12th पास बस हो केवल, तब भी यहाँ पर आप आ सकते हो, आप आसानी से यहाँ पे जॉब ले पाओगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में भी भर्ती चलती है और आए दिन भर्ती चलती ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन लड़के निकलते हैं और हर दिन ज्वाइन करते रहते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको कहीं पर जॉब नहीं मिल रही है तो पार्ट टाइम आपको कर लेना चाहिए जॉब। बट दोस्तों यदि आप अपना कैरियर रूप में देख रहे हो, तब तो दोस्तों आपको कैंपस प्लेसमेंट को जरूर ट्राई करना चाहिए। अब कैंपस कहाँ पे लगता है, कब लगता है, यदि आप इस पर वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करिए। तो जैसे ही कैंपस प्लेसमेंट होगा, अगर मुझे पता चलता है, इन्फॉर्मेशन मुझे मिल जाती है, तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, जरूर पोस्ट कम्युनिटी में कर दूंगा, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। अब चलिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे भर्ती होती कैसे है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा जाता है। तो दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए, और अगर आप आईटीआई हैं तब तो बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फिटर्स हैं तब तो और बड़ी बढ़िया है, आप इस कंपनी के लिए सुटेड है, मोबाइल कंपनी के लिए, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी, जैसे कि सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ये सब मोबाइल की कंपनियां हैं। यदि आप आना चाहते हो इन कंपनियों में, तो यदि आपकी आईटीआई है और आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से किसी ब्रांच से हो दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आपको एक बार जरूर आना चाहिए, और कंपनी आपको हायर भी कर लेगी, वो भी ट्रेनिंग बेस में। और दोस्तों आपका करियर परस्पेक्टिव में, जब आप एक कंपनी में जाते हो किसी भी कंपनी में, तो इंटरव्यू क्रैक करना होगा। इंटरव्यू में बस ज्यादा कुछ नहीं पूछते हैं, वहां पे आपका अबाउट योर सेल्फ पूछते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में तो ऑलरेडी रिज्यूम में मेंशन होता है, सब कुछ उनको देख लेते हैं, ऑलरेडी आपने सब कुछ रिज्यूम में मेंशन कर दिया होता है, बस सैलरी एक्सपेक्टेशन आपसे पूछते हैं, और ज्यादा वो डिसाइड तो अपने हिसाब से ही करते हैं आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, बट वो अपने हिसाब से ही डिसाइड करते हैं आपकी सैलरी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देना होता है, क्योंकि वहां पर ट्रेनिंग होगी काम की, जो भी काम कराया जाएगा वहां पर कंपनी में उसकी आपको ट्रेनिंग देंगे, पर्टिकुलर जो भी वहां कंपनी में काम होता है, जो लाइन में काम होता है, मोबाइल कंपनी में जो रोबोटिक काम करते हैं, सबका आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, पर्टिकुलर आपको जिस लाइन में भेजा जाएगा उस लाइन का ट्रेनिंग दिया जाएगा, और जहां जिस लोकेशन पे आपको पर्टिकुलर एग्जैक्ट दिया जाएगा काम, वहां का पर्टिकुलर आपको सारी चीजें बता दिया जाएगा, क्या क्या काम होता है, कैसे काम होता है, पूरा ट्रेनिंग में सब कुछ समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको लाइन में डाला जाएगा। फिर आप जब प्रोडक्शन में आ जाओगे तो फिर दोस्तों आपको काम करना पड़ेगा, महीने के महीने आपको पेमेंट भी मिलती है, और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लाइक यदि आपने आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कर रखा है, तो आईटीआई के बेस में दोस्तों देखा जाए तो 9,000 10,000 पेमेंट मिलेगा शुरू में, और आप यदि डिप्लोमा कर रखे हो तो 12,000 से 15,000 के बीच में, और दोस्तों यदि डिग्री कर रखे हो तो कोई कंफर्म नहीं है यहाँ पे मुझे, क्योंकि दोस्तों डिग्री वालों को कंपनी बहुत ही कम हायर करती है, और बीएससी बीकॉम है तो हायर कर लेती है, बट सैलरी डिप्लोमा के बेस में ही रहती है, ज्यादा सैलरी में ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। बट यदि आप एक्सपीरियंस हो जाते हो और यदि आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक से कर रखे हो, कुछ डिग्री में कर रखे हो, जैसे कि बीटेक कर रखे हो, और यदि आप हो जाते हो मोबाइल कंपनी में, तब तो दोस्तों आपका करियर परस्पेक्टिव देखा जाए तो तब तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो जाएगी। अब सुविधा की बात करें तो यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था आपको खुद से करनी पड़ेगी, और सैलरी की मैंने बताई थी आपको, PF SIC कटता है फ्रेंड, अगर आप यदि आप कॉन्ट्रैक्ट में कर रहे हैं या फिर कंपनी रोल में कर रहे हैं, दोनों में आपका PF SIC कटता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जरूर आकर एक बार ट्राई करिए। यदि आप पार्ट टाइम आपको कहीं काम नहीं मिल रहा है तो आप मोबाइल कंपनी में एक बार जरूर आकर ट्राई करना चाहिए, और यहाँ पे आपको ओवर टाइम भी मिलता है, ओवर टाइम लेके यदि घंटे का 60 रुपए 100 रुपए कंपनी के हिसाब से आपको दिया जाता है, कंपनी आपको बताती है खुद ही कि यहाँ पर आपको ओवर टाइम क्या रहेगा, तो आपको यहाँ पर आकर जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए। और यदि आप कैंपस प्लेसमेंट के बारे में जानना चाहते हो, कैंपस कब होता है, आप कैंपस कब लगता है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, जरूर मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा यदि कभी भी कैंपस होता है तो। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।